मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसे शेयर और लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी जो है वो मिलती रहे। आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं मकर लगन के बारे में। मकर लगन वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं मकर लगन मगरमच्छ, मगरमच्छ देखा है आपने, सोता रहता है लेकिन टारगेट पर आते एकदम से अपना मुंह खोल के निशाना जो शिकार होता है उसको एकदम से पकड़ लेता है। ऐसे लोग अपने काम में बड़े चुस्त चलाक होते हैं और ऐसे लोग मेहनती भी बहुत होते हैं। तो मेहनत करना जो मकर लगन वालों के लिए बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और अपने कार्य को अचीव भी कर लेते हैं मकर लगन वाले। मकर लगन वालों के लिए राहु केतु का गोचर क्या करने जा रहा है, आज हम उस बारे में बात कर रहे हैं। तो राहु देव मकर लगन वालों के छठे भाव से गोचर करेंगे और केतु देव मकर लगन वालों के बारहवें भाव से गोचर करेंगे। तो बारहवां भाव जब केतु देव आते हैं तो इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ा देते हैं, आपको इंट्यूशंस आनी शुरू हो जाएंगी, आपके साथ में अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, आपको आने वाली चीजों का आभास होना शुरू हो जाएगा क्योंकि राहु देव भी आपके छठे घर में आ गए हैं। और छठा घर के लिए राहु के लिए कहा जाता है कि ऐसा बंदूक लिए खड़ा सिपाही और ऐसा पहरेदार होता है जो आपको हर मुसीबत से बचाकर लेकर आता है। छठा भाव जो है राहु का अपना घर होता है और वहां पर राहु उचके कहलाते हैं। तो छठे भाव में जो है राहु देव उचके होने वाले हैं और बारहवें भाव में केतु देव भी उचके होने वाले हैं। विदेश यात्राओं के योग आपके खुल रहे हैं। जो बच्चे बहुत टाइम से, जो लोग बहुत टाइम से विदेश यात्रा करने की सोच रहे थे, बस उनके रास्ते खुलने वाले हैं, वो लोग विदेश यात्राओं पे निकल जाएंगे। जो लोग विदेशों में जाकर सेटल होना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है, ये लोग भी विदेशों में जाकर सेटलमेंट इनका हो जाएगा और इनके जो जीवन में जो दुख परेशानी बहुत टाइम से ये लोग झेल रहे थे, इनका पेट जैसे खराब रह रहा था, हर कामों में अड़चन आपकी आ रही थी, तो मकर लगन वालों के वो सारी चीजें जो है वो आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि 18 महीने के लिए राहु केतु का गोचर होगा। 18 महीने के लिए छठे भाव में राहु देव जो है आपकी चेंज ऑफ जॉब और वो भी अच्छे पर्पस के लिए और प्रमोशंस के आपके योग जो है वो बनेंगे। लेकिन थोड़ा सा पिताजी को आपके कष्ट आ सकता है, पिता से थोड़ी सी दूरी भी बन सकती है, अपने घर से दूर जाकर कार्य कर सकते हैं आप। और देखिए जब विदेश चले जाएंगे तो ऑब्वियसली आप लोग घर से दूर चले जाएंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत परेशानी की बात रहेगी, लेकिन कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है, घूमने के लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर आप इस राहु को और शुभ करना चाहते हैं तो छह नीले कंचे आपने नीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी जेब में रखने हैं। इससे राहु देव आपको शुभ फल देना और शुरू कर देंगे और जितने आप कुत्तों की सेवा कर सकते हैं करिए, उससे आपके केतु देव भी जो है वो भी आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। तो ये दो उपाय आपके लिए हैं। वैसे तो देखिए राहु और केतु का गोचर आपके लिए बहुत शुभ है, लेकिन इसकी शुभता को और बढ़ाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। हाथी के पांव की मिट्टी अगर आपको मिल जाती है तो वो भी आप अपने पास में रख सकते हैं। और ऐसे में अगर आपको हाथी के पांव की मिट्टी मिल जाती है और साथ में आपको कोई कुआं दिख जाता है तो वो मिट्टी आप उस कुएं में भी डाल सकते हैं। तो ऐसा कीजिए और हाथी को कभी कभी आप मूली खिला सकते हैं शुभता को बढ़ाने के लिए राहु देव की। तो ऐसे कार्य कीजिए और न्यू वीडियोस जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये है राहु केतु का मकर लगन वालों के लिए गोचर। तो दोबारा आपसे इसी चैनल के माध्यम से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।